Now we have to start with balancing of trading account, profit and loss and balance sheet. अभी ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट इसका टोटलिंग करना है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है इसका आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल ये आ रहा है 47,500। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल है 47,500। इसमें से क्या करना है आपको, ये डेबिट साइड माइनस करना है। 47,500 से आपको ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का आउटर कॉलम ये पूरा माइनस करना है। डिफरेंस को आपको लिखना है 2 ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो 47,500 इसमें से ये पूरा डेबिट साइड माइनस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ये आ रहा है 10,800। ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है 47,500। इसमें से ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड माइनस करना है। तो 47,500 इसमें से ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड पूरा माइनस किया। रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट को लिखना है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका रहा है 10,800। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड कितना है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, अमाउंट आ रहा है 10,800। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 47,500 इसमें से माइनस किया ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड टोटल। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 47,500 सब्ट्रैक्ट किया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो डिफरेंस को लिखा है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 10,800। ये ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे फर्स्ट टाइम पे लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे फर्स्ट टाइम पे लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 10,800। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट इसको क्या करना है आपको ट्रांसफर करना है। कहां पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे फर्स्ट लाइन पे ट्रांसफर करना है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 10,800। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड टोटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 11,700। ये सेम लाइन पे डेबिट साइड में लेना है और इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड है 11,700, ये डेबिट साइड के लिए है। सेम लाइन पे लिखना है, फ्रॉम 11,700 आपको प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड टोटल ये माइनस करना है। फ्रॉम दिस 11,700 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिफरेंस को आपको लिखना है 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। नेट प्रॉफिट जो है ये आपका है 6,650।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड है 11,700, इसमें से ये प्रॉफिट लॉस का पूरा डेबिट साइड माइनस किया है, तो 11,700 माइनस द डेबिट साइड टोटल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंस को आपको लिखना है 2, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, तो नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 6,650। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट, इसको बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर ऐड करना है, प्लस नेट प्रॉफिट इनर कॉलम में 6,650 बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट इसका टोटल करना है 42,650 इनर कॉलम में, कैपिटल है 36,000, नेट प्रॉफिट है 6,650, टोटल हो गया 42,650, इसमें से माइनस करना है ड्रॉइंग 3,000, तो 42,650 में से 3,000 माइनस करना है, आउटसाइड कॉलम में आएगा आपका 39,650, 42,650 माइनस ड्रॉइंग 3,000, आउटसाइड कॉलम 39,650, एंड देर आफ्टर आपको भी बैलेंस शीट का टोटल करना है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, ये दोनों टोटल आपके इक्वल आने चाहिए, तो बैलेंस शीट का जो टोटल है ये आपका है 46,700। बैलेंस शीट जो है एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड टोटल ये आ रहा है 46,700। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड टोटल 46,700 एंड एसेट साइड टोटल 46,700, तो बैलेंस शीट का जो टोटल रहता है वो आपका ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में ये इक्वल आना चाहिए, तो दिस इज द बैलेंसिंग फॉर प्रॉब्लम नंबर 20।